सुमध्यान्ह बेटा जी, क्लास 10th आपका आज की हिंदी की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आज हम अपनी संचयन की पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ, जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला, इस कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसकी जो लेखक हैं उनका नाम है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जो है हिंदी के साथ उर्दू के एक कथाकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में अपनी बहुत अच्छी पहचान बना चुके थे। राही मासूम रजा एक ऐसे हस्ताक्षर रहे हैं जिन्होंने न केवल हिंदी और उर्दू साहित्य जगत, बल्कि उन्होंने कई धारावाहिक की पटकथा और फिल्मों के संवाद भी लिखे थे। तो चलिए पहले राही मासूम रजा के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने इसी कथा के क्रम में। राही मासूम रजा, जिनका जन्म जो है 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली नामक गांव में हुआ, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गाजीपुर में ही किसी विद्यालय में हुई। बचपन से ही ये जो है पोलियो ग्रसित थे, यानी एक पैर में खामी होने के कारण जो घर के आसपास के स्कूल में ही इनको अपनी शिक्षा दीक्षा जो है लेनी पड़ी। आगे जाकर इन्होंने अपने आप को, अपनी उच्च शिक्षा के पश्चात जो है इन्होंने अपने आप को लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। और एक विशेष शीर्षक से जो है ये पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी होने के पश्चात जो है इन्होंने उर्दू लिटरेचर वर्क यानी उर्दू साहित्यिक कार्य से भी अपने आप को जोड़ लिया था। और वहाँ पर इन्होंने कई उपन्यास, कई कहानियाँ और कई जो है लेख भी लिखे थे। आगे लगभग 1967 के आसपास यानी 1967 के आसपास इन्होंने अपने आप को मुंबई की ओर उन्मुख कर लिया, यानी बॉम्बे चले गए, और वहाँ पर कई फिल्मों की पटकथाएं, स्क्रिप्ट वगैरह, डायलॉग यानी संवाद, और कई फिल्मों में गीत भी इन्होंने लिखे थे। बहुत पॉपुलर धारावाहिक जो दूरदर्शन के धारावाहिकों में शामिल है, एक तो नीम का पेड़, और दूसरा जो अभी चलन में था लॉकडाउन में, आप लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक देखा था, महाभारत आदि जो जो नाटक थे, इन नाटकों की सारी स्क्रिप्ट, सारी पटकथा और सारे डायलॉग जो हैं इन्होंने खुद ने लिखे थे, और इसी कार्य के कारण इनकी ख्याति सब जगह फैल चुकी थी। ये एक ऐसे कवि और कथाकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदुस्तान की पीड़ा, उसके दुख दर्द और उसके संघर्ष की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और संस्थाओं का खुलकर विरोध किया, और ऐसी संकीर्ण सोच को, ऐसे अंधविश्वासों को, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ को न केवल बेनकाब किया, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उनका पुरजोर विरोध करने के बाद एक अच्छा आदर्श रूप कैसे कायम किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने अपने हृदयगत भाव जो है वो अभिव्यक्त किए। इनकी कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनकी वजह से इनको पद्म भूषण जैसे भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। वे प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन और नीम का पेड़। ये सभी उपन्यास रहे हैं। इन उर्दू का एक उपन्यास भी लिखा, मोहब्बत के सिवा, और इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है मैं एक फेरी वाला। इन्होंने कई अन्य जो उर्दू कविता संग्रह भी लिखे, जिनका नाम था नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रस्के मई और अजनबी शहर, अजनबी रास्ते। 1857 एक बहुत महान हिंदी और उर्दू का महाकाव्य लिखा, और इन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी जिसका टाइटल दिया एक छोटे आदमी की बड़ी कहानी। इस प्रकार साहित्य सृजन करते हुए, साहित्य सेवा कार्य करते हुए 15 मार्च 1992 को ये भी इस संसार से रुखसत कर गए।
इस प्रकार इनके द्वारा लिखा गया एक जो लेखन कार्य है टोपी शुक्ला, वो हमारे इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पीछे इसका उद्देश्य यही है ताकि पाठक वर्ग को हिंदू और मुस्लिम के उस सांप्रदायिक सद्भाव से परिचित करवाया जा सके जो इन दोनों धर्मों की नींव में मौजूद है, कि हिंदू और मुस्लिम जो है ये ऊपरी तौर पे मात्र एक भेद दिखाई देता है, लेकिन भीतर से इनकी आत्मा बिल्कुल एक ही है, इनको हम दो अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इसी कथाक्रम की ओर, जिसका शीर्षक दिया गया है टोपी शुक्ला। बेटा मैं आपको इसके चरित्रों के बारे में बता दूं, इसमें जो पात्र है, इसमें एक तो पात्र है बलभद्र नारायण शुक्ला, ठीक है, जिसका निक नेम था टोपी, और उसी का एक पक्का दोस्त था जिसके बीच में इनका गहरा दोस्ताना था, उसका नाम था सैयद जरगा मुर्तजा, यानी निक नेम था इफन। ये दोनों पक्के दोस्त थे, ठीक है। अब आपको पता है एक बिल्कुल ब्राह्मण परिवार से है यानी हिंदू है, और एक बिल्कुल ठेठ मुस्लिम परिवार से है, तो दोनों की संस्कृति और सभ्यता में बहुत अंतर रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों में गहरी दोस्ती कैसे थी, और ये गहरी दोस्ती एक दूसरे के दुख दर्द को कैसे बांटते थे, एक दूसरे के सुखों को साझा कैसे किया करते थे, उसी का एक रूप जो है इस कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित किया गया है। इनको हम अलग अलग नहीं कह सकते, लेखक भी ये कहता है कि अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो दोनों को एक करके समझो, इफन के बिना टोपी और टोपी के बिना इफन, दोनों अधूरे हैं। अगर आपको टोपी के बारे में पूरा जानना है तो आपको इफन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इफन के चरित्र में रुचि दिखाना चाहते हैं तो आपको टोपी से भी अपनी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए अपनी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक दिया गया है टोपी शुक्ला। इफन, इफन के बारे में कुछ जान लेना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इफन टोपी का पहला दोस्त था, और इस इफन को टोपी ने हमेशा इफन कहा, इफन इफन। खाली नुक्ता का प्रयोग हो जाने के कारण इसके उच्चारण में भी अंतर आ गया, लेकिन टोपी जो है वो हिंदू संस्कृति में पला बड़ा था, और जो उसका अध्ययन था, अगर उसकी पढ़ाई के विषय में कहा जाए तो वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। देखो इसको अपनी पढ़ाई के लिए भी कैसे संघर्ष करना पड़ा, इसके पिता जो हैं वो नेतागिरी में भी अपना नाम शुमार करना चाहते थे, लेकिन टोपी जो है वो ये सोचता था कि काश इस बारी मेरे को पढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं कक्षा 10 में अच्छे से निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या होता है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमें भी एक अच्छा संदेश देता है कि बच्चे अगर दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे इस बारी अच्छा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो वो उनको भी पाट कर यानी उनको भी पार करके अपने उद्देश्य को पहुंच बना लेता है। तो देखिए किस तरह से टोपी इसके विषय में भी हमारे साथ जो है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम टोपी के जीवन में हम खुद अपना जीवन जी रहे हैं, कहीं एक ऐसा क्षण भी एक ऐसा पड़ाव भी इस पाठ में आता है। परंतु वह इफन पुकारने पर बोलता रहा, इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी यानी उसकी प्रशंसा होती थी। इफन और इफन, फ फ फ और फ में दोनों अंतर था। ये नामों के चक्कर भी अजीब होते हैं, उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदवी के दो नाम हैं, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, है ना। परंतु आप खुद देखो कि नाम बदल लेने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। कैसे नाम बदलना, नाम कृष्ण है तो उसे अवतार कहते हैं, और नाम मोहम्मद है तो उसे पैगंबर कहते हैं, है ना। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग ये भी भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, यानी एक को गोपाल के नाम से पुकार लो और दूसरे को जानवर चराने वाले जो कार्य करने वाले हैं, इन दोनों का एक ही धंधा था, एक ही काम था, लेकिन नाम हमने इनके बदल दिए। एक को कृष्ण कहा तो दूसरे को मोहम्मद, एक को हम कहते हैं विष्णु का अवतार तो दूसरों को हम कहते हैं खुदा का पैगंबर। दोनों ही पशुपति गोवर्धन ब्रजकुमार थे, पशुओं के प्रति यानी पशुओं के स्वामी, गोवर्धन यानी जो गोवर्धन पर्वत है गोबर को धन मानने वाला, जो गोवर्धन पर्वत है उसको धारण करने वाला, ब्रज कुमार थे यानी गांवों में पले बड़े थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी ना केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी है यानी बिना मतलब के है। इसीलिए इफन के घर चलना जरूरी है,
ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, वास्तव में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, यानी मुस्लिम संस्कृति में पले बड़े इस बच्चे को किस तरह की जो संस्कृति का ज्ञान है वो दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं। इफन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी क्या सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है, क्योंकि लेखक ने पहले ही बता दिया कि इफन के बिना टोपी अधूरा और टोपी के बिना इफन अकेला है। इसलिए अगर इफन के बारे में सुन रहे हो तो टोपी के बारे में जानना पड़ेगा, और टोपी की कहानी आप सुन रहे हो तो इफन के पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में भी मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। मैंने इसे इसीलिए जरूरी समझा कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा, क्योंकि टोपी का पक्का मित्र भी कौन था, इफन। न टोपी इफन की परछाई है और न इफन टोपी की, बल्कि ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट है, यानी इनका जो विकास है, वो एक दूसरे से आजाद तौर पे हुआ है। एक हिंदू संस्कृति में पढ़ा है और दूसरा मुस्लिम संस्कृति में पला हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं भी मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोच रखी है, फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट यानी मजबूत हिस्सा है, जिसे आप अलग करके नहीं दे सकते। यह बात बहुत जरूरी है कि इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। और क्यों है, तो देखिए, लेखक कहता है कि उस समय देश की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी। आपको पता है 1927 के समय से लेकर 1992 तक का समय, हालांकि बीच में हमारी आज़ादी का संघर्ष हुआ, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम के रूप में सामने आए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे बंटवारा हुआ, थोड़ा सांप्रदायिकता जो उत्पाद है, अलगाव है, वो फैलने लगा। तो इस कारण हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में भी थोड़ा थोड़ा क्या है, विभेद बढ़ने लगा। तो कथाकार जो है अपने यही प्रयास कर रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से वो सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसकी स्थापना कर सके। क्या कहता है लेखक, मैं हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा। मैं ये बेवकूफी क्यों करूं भाई, क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? मतलब अगर आप भाई हो तो उसको रोज ये कहना जरूरी है क्या कि आप मेरे भाई हो? यदि आप हिंदू हो और मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, मैं आपको रोज कहूं कि आप मेरे भाई हो, तभी ये अंदर से भाव थोड़ी आता है कि आप मेरे भाई हो। हम अपने सगे भाई को भी ये रोज रोज थोड़ी याद दिलाते हैं कि भाई तू मेरा भाई है। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते, यानी हम भी नहीं कहते, हम भी अपने आचरण में, दैनिक कार्य में इन चीजों को इस तरह से काम में नहीं लेते। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वो भाई भाई नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ता है। यानी बात तो अपनी भावनाओं की है, जो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा वो आपका भाई है, और जो आपकी भावनाओं का की कद्र नहीं करेगा तो भले वो आपका अनुज या अग्रज ही क्यों ना हो, वो आपके प्रति भाई सरीखा व्यवहार नहीं करेगा। लेखक कहता है मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है जो ये मुद्दे लेकर के मैं मंच पर आकर के एक बहुत अच्छा लेक्चर दे दूं। मैं तो एक कथाकार हूं और कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूं। ये दोनों इस कहानी के दो चरित्र हैं। रेखांकित जरूर कीजिएगा टोपी का पूरा नाम क्या था। यहाँ पर इन्होंने बताया है, टोपी का पूरा नाम बताया गया है कि एक का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम था सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफन। ये दोनों इनके अलग अलग और पूरे नाम हैं। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, मौलाना साहब आपको पता है, जो कुरान शरीफ की आयतों का ना केवल अध्ययन करते हैं बल्कि अपने शागिर्दों में उसकी सारी शिक्षाओं को बांटते भी हैं और मस्जिद और दरगाह वगैरह में शिरकत भी किया करते हैं। काफिरों के देश में पैदा हुए, यानी हमारे भारत में ये नहीं जन्मे थे। कौन? इफन के दादा परदादा। विदेशी जमीन पर उनका उद्भव हुआ, काफिरों के देश में ही मरे और विदेशी भूमि पर ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु वसीयत आपको पता है कि मरने से पूर्व व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति के बारे में अपनी सारी इच्छाएं अभिव्यक्त करके चला जाता है। यानी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि मेरी लाश करबला ले जाई जाए। करबला जो मुस्लिम का बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, जैसे हमारे हिंदुओं में काशी के बारे में कहा जाता है, करबला ले जाई जाए उनकी लाश को। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली थी।
उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ था वह बढ़कर इफन का बाप हुआ, यानी सिर्फ इफन के पिता वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पैर रखा था, यानी वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए और मरते वक्त भी इन्होंने यही इच्छा करी कि मुझे हिंदुस्तान में ही दफनाया जाए। जैसे बाप दादा और परदादा की बात कही है, वो तो विदेशों की जमीन पर ही पैदा हुए थे और विदेशों में ही मर गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद मेरी जो लाश है वो पवित्र मुस्लिम धार्मिक स्थल यानी करबला ले जाई जाए। लेकिन हिंदुस्तानी पहला बच्चा उनकी कौम का कौन था? इफन के पिता। अब इफन के पिता कौन थे उनके विषय में बात कही गई है, देखिए कौन थे और उनका पूरा नाम क्या था वो भी बताया गया है। जब इफन के पिता यानी सैयद मुर्तजा हुसैन, इफन का तो नाम क्या, इफन का नाम यहाँ पर क्या था? सैयद जरगाम मुर्तजा, ठीक है, और पिता का नाम क्या है? सैयद मुर्तजा हुसैन। वो जब मरे थे तो उन्होंने ये वसीयत बिल्कुल नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए, क्योंकि वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफना दिए गए। इफन की परदादी वो बड़ी नमाजी बीबी थी। आपको पता है मुस्लिम संस्कृति में जो बड़ी बुजुर्ग होते हैं उनको बीबी कहा जाता है, तो नमाजी थी यानी नमाज बहुत नियम से किया करती थी, नमाज अदा करते हैं, आपको बताया पंच वक्ता ये नमाज पढ़ा करते हैं, तो वो भी नियम से अपने नमाज वगैरह पढ़ा करती थी। उस समय मुस्लिम संस्कृति के पवित्र धार्मिक स्थलों के नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं और वो कौन कौन से थे देखिए, इनको भी रेखांकित कीजिएगा, अतिरिक्त प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से जो स्थल थे, वो थे करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और ऐसे कई धार्मिक स्थलों की यात्रा उन्होंने की थी। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा क्यों की थी? ताकि वो अपने धर्म के विषय में पूरी जानकारी हासिल कर ले। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो पुराना समय था, पुराने समय में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टोटका या जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, वो किया जाता था। तो वो भी क्या करती थी, देखो जब भी कोई घर से जाने लगता, ये भी रेखांकित कीजिएगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है और आपसे प्रश्न करके पूछ लिया जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि नमाजी होने के बावजूद भी वो कुछ दकियानुसी ख्यालों की थी। जब भी कोई घर से जाने लगता तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी। और यहाँ पर दिया गया है माश का सदका यानी एक टोटका किया करती थी। अब ये टोटका क्या था कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो वो एक घड़ा भरवा कर रखती थी। आपको पता है खाली घड़ा जो होता है ना वो थोड़ा अशुभ माना जाता है और भरा हुआ घड़ा जो है वो शुभ माना जाता है। यानी जो व्यक्ति घर से बाहर किसी काम के लिए निकला है उसके आने से पूर्व ही घर के बाहर एक घड़ा जो है पानी से भरकर रखवा देती थी ताकि जिस कार्य के लिए वह गया है शुभ समाचार लेकर ही लौटे। माश का सदका यहाँ नाम दिया गया है, ये एक तरह का टोटका है यानी बाहरी आडंबर। अब बात आती है इफन की दादी भी नमाज रोजे आदि की क्या थी, पाबंद थी, यानी वो भी नमाज रोजे आदि किया करती थी परदादी की तरह। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, आपको पता है चेचक जो शरीर पर छोटे छोटे छोटी छोटी फुंसियां निकल जाती है और उसमें पस और रक्त भरा रहता है, उस समय जो है इस चेचक की बीमारी को नाम दे दिया कि भाई माता निकली है, माता निकली है, है ना। तो पुराने समय में ऐसा होता था कि जब भी बच्चे को इस तरह की कोई जो है महामारी या बीमारी लग जाती थी तो उसका बचाव करने के लिए घरेलू टोटके काम में लिया करते थे। आपको पता है आजकल भी, हालांकि ये तो हमारे श्रद्धा और विश्वास का एक हिस्सा है जिसमें आपको पता है कि ठंडा खाते हैं, ठंडा खाना जाता है, ठंडा पूजा जाता है, एक दिन पूर्व भोजन बना लिया जाता है, अगले दिन माता को चढ़ा करके फिर वही खाया जाता है ताकि वो जो है बच्चों पे ठंडा असर करे। यानी ये इस तरह की जो महामारियां निकला करती थी, साइंटिफिक रीजन तो यही था कि पीछे भाई इस तरह जो ज़्यादा गर्म खाते हैं या तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है और वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलती है, तो इसी बीमारी से बचाने के लिए जो इफन थे उसके पिता यानी इफन की दादी का इकलौता बेटा उनके चेचक हो गई, तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, क्या कहती है देखो, अरे माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो,
पूरब की रहने वाली थी, इसलिए 9-10 की उम्र की थी तब उसकी शादी हो गई थी, और शादी होकर के उसको लखनऊ आना पड़ा। परंतु जब तक जिंदा रही वो वहां की पूर्वी बोली यानी पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा वही बोलती रही। और लखनऊ में क्या था, ठेठ उर्दू का माहौल था, उर्दू उसके ससुराल की भाषा थी, तो वह तो मायके की भाषा को ही गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर उसे कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। यानी पूर्वी बोली को वो अच्छे से समझती भी थी और अच्छे से बोल भी पाती थी, उर्दू में कहीं कहीं उसको मुश्किल आती थी। पूरब की रहने वाली थी, लखनऊ में उसका ससुराल था और ससुराल में उर्दू बोली जाती थी, लेकिन वो तो अपने मायके की भाषा को ही गले लगाए रहती थी, क्योंकि इसी भाषा में वो अपने मन की बातों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती थी। और जब बेटे की शादी का दिन आया तो गाने बजाने के लिए उसका दिल फड़क उठा। आपको पता है इकलौता बेटा, माँ के लिए कितने सपने होते हैं कि वो अपने बेटे को जब दूल्हा बना देखे तो उसके मन की हर कामनाएं वो पूरा करना चाहती हैं। तो माँ क्या चाहती थी कि भाई खूब गाना बजाना किया जाए, लेकिन मौलाना साहब की बीवी रह गई, इसलिए मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं हो सकता था। कैसे हो सकता, क्योंकि वो तो नियम कायदे वाले लोग हैं और उनके घर में इतना शोर शराबा हो ही नहीं सकता। बेचारी दिल महसूस कर रह गई यानी उदास हो गई, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हाँ, इफन की छठी, छठी यानी जब बच्चे का जन्म होता है उसके 6 दिन के बाद की तिथि, समझ गए, कहते हैं ना छठी का दूध याद आ गया, यानी जब वो अपनी माता से पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है और माता के दुग्ध से ही उसका पालन पोषण होता है, फिर जब उस बच्चे के 6 दिन के बाद के जो समय है उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे छठ पूजा कही जाती है ना। बच्चे के जन्म के 6ठे दिन पर उसको स्नान वगैरह करा करके फिर उसके नामकरण संस्कार वगैरह आदि किए जाते हैं। तो जब इफन पैदा हुआ यानी उसका पोता पैदा हुआ तो उसके 6ठे पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया यानी उत्सव मनाया, एक जलसा बनाया, अपनी खुशी जाहिर करी। बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। आपको पता है कि घरों के अंदर ये सोच होती है कि भाई एक व्यक्ति बुजुर्ग था जिसकी मौत हो गई, उसके कुछ 3 महीने 6 महीने में अगर घर में फिर बालक पैदा होता तो कहते हैं अरे वही वापस जो है इस रूप में आ गया है ना। तो ये बात थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। तो मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। यानी दादा मरे तो कौन आया, इफन आया। इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, यानी जब वो अपने मायके में थी यानी पूर्वी क्षेत्र में थी तो उनके घर में कोई ये जो राजनीतिक परिवार से संबंधित नहीं था या कोई विशिष्ट धार्मिक वर्ग से संबंधित नहीं था, बल्कि उसके पिता कौन थे, एक जमींदार थे। ठीक है, एक जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई आई थी, लेकिन लखनऊ में आकर वह दही के लिए भी तरस गई। जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था, यानी उनके घर में नहीं जमाया जाता था बल्कि किसी और के घर में जमाया हुआ दही जो है इनके घर यानी मौलवी घर, मौलवियों के घर आता था। जब वो मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती थी, और लखनऊ आते ही उसे फिर मौलाना साहब की पत्नी यानी मौलविन बन जाना पड़ता था। और अपने पति से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी बने फिरते हैं, यानी नियम कायदे अनुशासन में ही रहना उनको पसंद होता था और अपनी पत्नी को भी वैसा ही रखते थे। ठीक है, ससुराल में उसकी आत्मा बहुत बेचैन रही थी, क्योंकि एक तो बेटा खुले विचारों में और बहुत आराम से जो जीवन जिया है, बाद में बिल्कुल नियमों में पाबंदियों में, तो दोनों में बहुत अंतर रह जाता है। तो ससुराल में आत्मा उनकी बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि माँ लाश कर्बला जाएगी या नजफ, यानी दोनों ही मुस्लिम धार्मिक स्थल है, तो वो बिगड़ गई और क्या बोली, ए बेटा जौन तू हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दी हो, यानी अगर तेरे से मेरी लाश भी नहीं संभले ना तो मेरे पीहर भेज देना। यानी वो अपने पीहर से इतना ज्यादा लगाव रखती थी कि मरने के बाद भी यही सोचती थी कि अगर मेरे को वहीं दफना दिया जाए तो अच्छा होगा। मौत सर पर थी इसलिए उनको याद ही नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। यानी आपको पता है जब ससुराल में अगर मौत हो रही है तो उसकी जो कब्र है यानी उसका जो जनाजा है वो वहीं के किसी शमशान में
दफनाया जाएगा। घरवाले कराची में है यानी पाकिस्तान में, और घर कस्टोडियन का हो गया। कस्टोडियन का क्या मतलब है, यानी जब उस किसी भी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता तो उस सारी संपत्ति को सरकार हस्तगत कर लेती है, यानी अपने अंडर में ले लेती है, और उसका फिर क्या करना है उसके बारे में सरकार ही डिसीजन लेती है। यानी कस्टोडियन कर दिया, यानी उसके घर में आगे कोई वारिस बचा ही नहीं था, कहाँ, पीहर में। और पीहर अब कहाँ था, कराची में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी मोटी बातें भला याद कैसे रह सकती है, यानी मौत जब सामने होती है तो उसको ये बातें याद नहीं रहती कि भाई मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे घरवाले कौन है। उसके दिमाग में बचपन से लेकर और अपने बुढ़ापे तक की एक पूरा जो सीन है वो अपने आप घूमने लगता है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, तो ये कथाकार का ख्याल है क्योंकि वो भी अब तक मरा नहीं है। यानी इस कहानी को जब उन्होंने लिखा था, हालांकि तो लेखक की डेथ हो गई 1992 में, लेकिन जब इस कथा को उन्होंने लिखा था तब वो कहते हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है ना, तो मृत्यु में उसको अपने लाइफ के सबसे ज्यादा खूबसूरत जो क्षण है वो याद आने लगते हैं। तो दादी को भी यही आया, उसको भी अपने अपना घर याद आया। कहाँ वाला, पीहर वाला। उस घर का नाम था कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए थी क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया जो अपने हाथ से उन्होंने लगाया था। आम की प्रजाति है दशहरी आम, और पेड़ का नाम दिया बीजू पेड़, यानी कई वर्षों पुराना पेड़ जो उन्होंने बचपन में अपने हाथ से लगाया था और जो अब उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका। ऐसी ही छोटी छोटी मीठी मीठी कई ऐसी चीजें थी जो उनको याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर बड़ा भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी, यानी उनका मन, उनकी आत्मा, सब कुछ अपने उसी घर में, अपने पीहर वाले घर में बसी हुई थी। वह बनारस की फातमैन में दफना दी गई। ध्यान रख लीजिएगा बेटा, दादा परदादा ने तो करबला में दफनाने की वसीयत की थी, लेकिन इफन की दादी को फातमैन में दफना दिया गया जो बनारस में है, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर थी। अब मुर्तजा हुसैन वहाँ किस पोस्ट पे थे और कैसे इफन की दोस्ती टोपी से हुई, और टोपी के फादर भी क्या काम करते थे, उसके बारे में आगे जिक्र करता है। देखो, मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उस समय बनारस में थी, इसलिए उनकी माताजी की मौत के पश्चात बनारस के फातमैन में ही उनको दफना दिया गया। इफन स्कूल गया हुआ था, नौकर ने आकर खबर दी उस समय बीबी का देहांत हो गया, तो इफन की दादी को उस समय क्या कहा जाता था, बीवी कहा जाता था। इफन उस समय फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी और अपनी बाजी। बाजी का क्या अर्थ है यहाँ पर, बाजी का अर्थ होता है अपनी बड़ी बहन, और छोटी बहन नुजहत से भी बहुत प्यार था, परंतु दादी से वो जरा ज्यादा प्यार किया करता था, और अम्मी कभी कभार डांट लगा देती थी। बाजी यानी बड़ी दीदी का भी यही हाल था। अब्बू कभी कभार घर को कचहरी बना देते थे। कचहरी बना देना यानी वहीं पे कोर्ट चलाने लगते, कोर्ट में अपने फैसले सुनाने लगते, और फैसले बच्चे को जो है पाबंदियों में डाल देते थे। इस कारण नुजहत यानी छोटी बहन को जब भी मौका मिलता तो वो इफन की कॉपियों पर तस्वीरें बना देती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी इफन का दिल नहीं दुखाया। वो रात को उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बारा बुर्ज, अमीर हमजा, गुलबकावली, हातिम ताई, पंचफुला रानी आदि की कहानियां सुनाया करती थी। हम लोगों को भी बेटा अपनी दादी याद आती है, और जिनकी है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि दादी जो है वो अपने पिता यानी अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार जो है अपने पोते को करती है। पास में सुलाना, खिलाना, उसके साथ खेलना, है ना, कहानियाँ सुनाना, ये कई क्रियाएं हैं जिसके द्वारा वो दादी जो है अपने इस पोते के बचपन में अपना बचपन जी लेती है, है ना। क्या कहती है, देखो, सोता है सारा संसार पाक परवरदिगार, ठीक है ना, जागता है। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था, फलान फलान फलान, इस तरह से वो कहानियां सुनाती थी, और कहानी सुनाने का क्रम भी कुछ ऐसा ही था। कैसे शुरुआत करती थी, सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार, यानी ईश्वर के नाम से, खुदा के नाम से आगाज करती थी।
और क्या पीछे ये और कहती थी कि आंखों की देखी नहीं कहती बल्कि कानों की सुनी कहती हूँ, यानी मैंने सब कुछ ऐसा कुछ सुना है। क्या कहती है, देखो दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया, उसे तो अच्छी भली लगती थी परंतु अब्बू ये भाषा नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हंस पड़ती थी, यानी अब्बू मना करते थे कि इस तरह की पूर्वी बोली मत बोलो, लेकिन इफ्फन जब अपनी दादी को टोकता तो दादी हंसते हुए कहती, मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगियो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। यानी अरे बेटा अब मेरा क्या है, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ तो मैं ऐसी बोली बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत बोलो, तुम तो अपने पिता की ही बोली बोलो। इस तरह बात खत्म हो जाती और कहानी फिर से शुरू हो जाती। कैसे कहती, तऊ बादशाह का किस कि तुरते एक एक ठो हिरन मार लिया वा, कि उसके बारे में उस राजा के बारे में बता रही थी कि वह कहीं से एक हिरन मारकर लेकर आया। यही बोली टोपी के दिल में भी उतर गई थी। टोपी कौन था, इफन का पक्का मित्र, और इफन के घर वो आया जाया करता था, और इफन की तरह ही टोपी को भी पूर्ण वात्सल्य यानी एक माता सरीखा प्रेम इफन की दादी से मिला था। इफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, यानी ऐसी ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी और ग्रामीण बोली बोलने वाली कौन थी, टोपी की माँ, इसलिए टोपी को अपनी माँ की तरह इफन की दादी लगी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी नफरत, अब टोपी की दादी कैसी थी जिसकी वजह से टोपी अपनी दादी से नफरत करता था, जाने कैसी भाषा बोलती थी इफन के अब्बू, और उसकी एक भाषा यही थी, यानी जिस तरह से इफन के पापा जो हैं घर को ही कोर्ट बना देते थे और अपने नियम कायदे लगाते थे, सेम वैसा ही माहौल जो है टोपी के घर में था, और करने वाला कौन था, टोपी की दादी। अब टोपी जो है अपनी दादी से नफरत क्यों करता था, क्या बीता उसके साथ, तो हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है।